नमस्कार नमस्कार अवतार सिंह जी, इस बार आपने सीधी बिजाई की खेती करी बाय डायरेक्ट एकर प्रोग्राम से जुड़ गए, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। श्रीकाल जी, मेरा नाम अवतार सिंह है जी, सन ऑफ लाल सिंह, मैं गांव मशरूली से रहने वाला हूँ, हरियाणा से, यमुनानगर से। तो मैं इनके साथ 15 साल से खेती करता हूँ सर। 15 साल हो गए मेरे खेती करते हुए, तो अभी आपके साथ जुड़ा हूँ DSR वालों के साथ। तो अच्छा अनुभव हुआ मेरे को। किट में मेरे को 6 किलो बीज मिला और ये अपना पेंडा दवाई मिली स्प्रे वाली और कॉन्सलेक्टिव भी मिली। ठीक है जी। तो इन्होंने बताया मेरे को भी कैसे खेत को तैयार करना है। खेत में पानी दिया, उसको तर बत्तर करके उसका लेवलर बना के, ठीक है। फिर उसके बाद अपना मशीन आ गई, ठीक है जी। एक ही साथ अपना किट में सारी दवाइयाँ आ गई, बीज आ गया, कहीं जाके ये पूछना नहीं पड़ा भी क्या दवाई लगाएं क्या नहीं लगाएं। तो इन्होंने बताया भी वो मशीन वाला बुलाओ, मशीन वाला आया, उसने अपना वो जो खेत था उसमें बिजाई कर दी। उसके बाद उन्होंने पेंडा की स्प्रे कर दी। सर ने बताया भी पेंडा की स्प्रे कर दो भाई। पेंडा की स्प्रे के बाद उसके बाद उसमें जब पानी की जरूरत पड़ी उसमें, तो उन्होंने उसमें पानी लगाया। पानी लगाने के कुछ दिन बाद उसमें गरपतवार होने लगे थोड़े थोड़े, जैसे ढीला हो गया। ढीले की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है खेत में, ढीला हो गया थोड़ा बहुत, और गरपतवार हो गया जैसे डांड डूंड होगी छोटी सी। तो सर हमारे टाइम टू टाइम आते थे गाइड करने के लिए भी, ये करो ये करो। तो ये आए बोले भाई इसमें बना बना कॉन्सलेक्टिव की स्प्रे करो सर बोले। तो हमने उसमें कॉन्सलेक्टिव की स्प्रे की, तो जितना भी गरपतवार था सब खत्म हो गया। तो उसके बाद अपना उसमें जब पानी की जरूरत पड़ी दोबारा, तो उसमें पानी दिया। ठीक है, सर ने बताया भी उसमें खाद भी बताया भी इतना खाद डालो, कैसे डालना है, जिंक कितनी डालनी है, ठीक है ये बताया। तो उसके बाद अब दोबारा फिर उसमें कुछ गरपतवार रह गए, तो सर ने मेरे को डोरा जाने के दी। मेरे को फालतू दुकानों पे नहीं फिरना पड़ा, ऐसे शहर में जाके पूछना पड़ा भी किसी को क्या गेरू, कौन सी दवाई गेरू, महंगी गेरू की सस्ती गेरू, कैसे गेरू। फिर उसके बाद एक गरपतवार आता है मकड़ा, जिसकी अब लग कोई दवाई नहीं थी उसका, मतलब कोई मतलब या तो वो खोल के निकालना पड़ता था। ठीक है जी। तो सर ने मेरे को स्टार नाम से दवाई है वो लाने के लिए, तो मैंने उसकी स्प्रे की, उसने मकड़ा भी खत्म कर दिया। तो अवतार सिंह जी, आपने बताया 15 साल से जो पारंपरिक खेती की खेती का तरीका है वो करते आ रहे हैं, पहली बार आपने सीधी बिजाई की तकनीक अपनाई। हाँ जी। तो क्या कारण था कि आप पहली बार सीधी बिजाई पे आए? सर लेबर की बहुत दिक्कत थी, लेबर महंगी पड़ती थी और बाद में फिर पानी की भी दिक्कत होती थी। हैं उसके बाद अपना इसमें एक फायदा है, जैसे एक आदमी के पास 10 किले बोने के लिए है और 10 किले तैयार करो, मशीन लेके आओ, एक दिन में 10 किले बो के अपना वेले हो जाओ। तो लेबर की जैसे दिक्कत आ रही है अभी पूरे हरियाणा पंजाब प्रांत में। हाँ जी। तो थोड़ा समझा पाएंगे लेबर महंगी हो रही है नहीं मिल रही है, इन दोनों एंगल से थोड़ा आगे पढ़ते हैं। जैसे 3,000 हो गए, काफी जगह तो 4,000 भी है और अपना 5,000 भी ले रहे हैं, मुंह मांगे ले रहे हैं, किसान बहुत परेशान है इस चीज से। इसलिए अपना ये अच्छी है, लाओ अपना एक दिन में बिजाई करके अपना। ठीक है। तो आपके पास इस बार कितने किले ट्रांसप्लांटेड में है और कितने किले सीधी बिजाई में? सीधी बिजाई में मेरे पास सर 2 किले हैं। ओके। और ट्रांसप्लांटेड में मेरे पास 8 से 9 किले हैं। तो क्या फर्क देखा आपने ट्रांसप्लांटेड और DSR में, दोनों खेतों में? सर एक तो इसमें मतलब जल्दी बेला हो जाता है आदमी। ठीक है। एक लेबर की कॉस्ट नहीं बढ़ती, एक पानी की भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझा सकते हैं, पानी की दिक्कत जब आती है तो यहाँ किस तकलीफ से जूझना पड़ता है किसान को? बस वही है, लाइट की वोल्टेज कम हो जाती है, ट्यूबवेल नहीं चलता टाइम पे। ठीक है। कई बार अपना लाइट नहीं आती, लाइट कम आती है, खराब हो जाती है, कहीं लाइट नहीं आती। ठीक है, ये चक्कर है। तो DSR में उससे क्या फायदा हो पाता है? लाइट अगर लाइट कम चलती है, पानी कम देना पड़ता है, इसमें पानी खड़े होकर देना पड़ता है, खड़ाना पड़ता है ना पानी, ज्यादा देना पड़ता है भी पानी, इतना खड़े होगा इतना ऐसी है। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पानी दिया, गिल्ली हो गई, चलो 5-7 दिन की रेच की होगी उसमें। मेहनत अगर मेहनत के एंगल से देखें तो DSR में कम मेहनत लगी आपकी, श्रम कम लगा? हाँ, DSR में मेहनत कम है। उसमें ये पता है जैसे स्प्रे करते हैं अपनी आसानी से हो जाती है, खाद भी आसानी से डल जाता है। उसमें डलता है 1 से 1.5 कट्टा।
इसमें हमको गिरना पड़ता है 2 से 3 घंटे। ठीक है। और इसमें जब डालते हैं, इसमें गारा गारा होता है तो पैर भी धस जाता है, जिससे कीचड़ होता है ना इसमें पद्यों में, उससे ज्यादा धस जाता है, आदमी जोर ज्यादा लगता है। ओके, ठीक है। तो आसपास के जितने भी किसान भाई हैं वो भी आपका खेत देखने आते होंगे। हाँ जी। तो उनका क्या रुझान रहता है, देख के वो क्या बातें करते हैं आपसे? वो कह रहे ये अच्छी है। ओके। और उनको क्या क्या अच्छा लगा, इस बार काफी तकलीफ आई? वो कह रहे भी ये बाहर वालों के साथ जुड़ के बोने में अच्छा है, दवाइयाँ टाइम पे देते हैं, देखने टाइम पे आते हैं। वैसे अपने जाके अलग से बोए तो महंगी पड़ती है, जिम्मेदार को मतलब अलग बीज लेके आएगा, अलग दवाइयाँ लेके आएगा, ये किट से सारा कुछ बाहर होता है ना। ओके, ये किट सस्ती पड़ती है, बाहर से अलग अलग चीज लेके आएंगे वो महंगी पड़ती है। फिर अगला दवाई भी क्या पता कौन सी दे दिया, ये बाहर की दवाई है, अच्छी दवाई है बाहर की। किसान भाइयों से बात करते हैं गाँव में, जो आपके खेत देख के गए वो क्या बोल रहे हैं, DSR इस गाँव में या हरियाणा पंजाब में आप उम्मीद करते हैं बढ़ेगा आगे? बढ़ना चाहिए, कह रहे बढ़ना चाहिए, अगली बार हम भी लगाएंगे, जाड़ अच्छा दिया इसने DSR ने। ठीक है। हाँ, मेरा तो ये तजुर्बा है जी, भी सबने DSR करानी चाहिए, इसमें पानी की भी बचत है, लेबर की भी बचत है, और आदमी के पास टाइम बच जाता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे लेबर को खेत तैयार करके दो, ये करो वो करो, नहीं तो अपना एक दिन में बिजाई करके आदमी बेला, फिर अपनी खेती आराम से करता रहो। ठीक है, ठीक है अवतार जी, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।